हेलो फ्रेंड्स मु नमिता हंडीसाला चैनल को अपन को बहुत बहुत स्वागत रेसिपी स्टार्ट करबा आगर अपन मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियन दा पाखे थिबे छोटे बेल आइकन को क्लिक कर दन नवा रेसिपी जानिया पई आज मु मो आईंकर रेसिपी चुंगुडी आलू तरकारी बनै छी चलन त देखिबा कोन से प्रिपरेशन करय पड़िबो ए रेसिपी बनैया पई चुंगुडी तरकारी करिया पे मिड हाफ किलो चुंगुडी को लूण हल्दी रे भला भरे मैरिनेट करके रखी छी 2 रे 3 चम्मच सेंतुल रस ने छी 1 टेबलस्पून पोस्तक को मु बतरे की रखी छी 10 खोला रसुण गोटे बड़े प्याज को चॉप्ड करके रखी छी मु एठी हाफ चम्मच जीरा ने छी आपण चाहिले हाफ चम्मच जीरा सहित हाफ चम्मच सरसों भी ऐड करि परबे गोटे बड़ा टमाटर को काटि के रखी छी आ दुटा आलू को लंबा लंबा करके काटि के रखी छी आमे प्रथमे प्याज रसुण पोस्तक आ जीरा को भल भाव ग्राइंड कर देवा मसला को गोटे ताटी रे बाहर करके आम से ब्लेंडिंग जार रे टमाटर पकईकि टमाटर को भी भल भाव ग्राइंड कर देवा आम गोटे कड़े रे 2 चम्मच सोरिष तेल गरम करबा तेल गरम हेले सेथरे आम मैरिनेट करथिबा चुंगुडी पकईबा बट केयरफुली चुंगुडी को पकेबे नले तेल छिटकी आपन को ऊपर पड़ जाय पारे चुंगुड़ी को आपण लो मीडियम फ्लेम रे 3-4 मिनट पर्यंत भल भाव कुक कर दिंतु चुंगुड़ी को बेस डीप फ्राई करबे जस्ट शलो फ्राई करंतु चुंगुड़ी हमर भल भाव भाजी सेलानी वर्तमान यहाँ को आमे गोटे प्लेट को काट देबा बर्तमान आम से ही कड़े रे आलू पकेबा आलू को आम लो मीडियम फ्लेम रे लाइट ब्राउन कलर हेला पर्यंत भाजी देबा आपण देखि पड़ुथिबे आलूटा भल भाव भाजी सेलानी वर्तमान यहाँ को आम गोटे प्लेट को काट देबा एबे आम कड़े रे 2 चम्मच सोरिष तेल गरम करबा तेल गरम हेले सेथिरे बाटिथिबा मसला पकेकि मसला को आम भल भाव गोळी देबा एबे आमे हल्दी गुंड पकई देबा स्वाद अनुसार लंका गुंड पकईकि एहाकु भल भाव गोळी देबा स्वाद अनुसार लुण पकईबा आउ एहाकु भल भाव मिक्स करदेबा बट ध्यान रखंतु लुण पकईला बेलकु कारण आमे चिंगुडी भाजला बेलकु भी चिंगुडी रे लुण पकईछे सेथिपाइं अधिक लुण पकातु नहले आपणकर ग्रेविटा लुणिया हो जाइपे मसला को आम लो मीडियम फ्लेम रे गोटे मिनिट पर्यंत भल भाव भाजी देबा मसला आमर भल भाव भाजी सारे बर्तमान यहाँ साइड करदे एवं आम टमाटर पेस्ट पकईकि हाई फ्लेम रे टमाटर पा अंशा मरला पर्यटन कुक करदे आप देखिपे टमाटर पा अंशा पूरा ड्राई हो सारे बर्तमान यह मसला सहित मिक्स करके मसला सहित भल भाव कसा स्टार्ट करवा एवं आम 2 चम्मच तरकारी मसला पकईकि भल भाव मिक्स करदे सबकि मसला गुंड तरकारी मसला लुण हल्दी लंका गुंड सब आम एड कर सारे बर्तमान मसला को भल भाव कषिदे एवं आम हाफ कप पा पकईकि भल भाव मिक्स करदे मसलाटा भल भाव कषि सारा बर्तमान आम से भाजी आलू पकईकि भल भाव गोलई दे एबे आमे हाफ कप पानी पकईकि गोळी देबा कवर करदेबा और लो फ्लेम रे 3-4 मिनिट पर्यंत कुक करदेबा 3-4 मिनिट पर आमे लीड ओपन करके एहाकु भल भाव गोळी देबा एबे आमे भाजी थिबा चुंगुडी पकईकि चुंगुडी को आलू सहित मसला सहित भल भाव कसिबा स्टार्ट करबा मु ये गोटे कथ कहक चाहूँगी जदि आपको सोरस मसल बनवाक चाहते देन आपड़ हाफ चमच जीरा सहित हाफ चमच सोरस मिसेकि पोस्तक सहित बाटिदारे पोस्तक पकवा द्वारा यार ग्रेविटा थिकनेसटा बहुत भल आसे बहुत टेस्ट भी लगे आगे मोटा भी आसे ग्रेविटा आ जो मान सोरस मसला पसंद ना आपड़ एमती बनातु ए गरम मसलार फ्लेवर भी आसो आए मरकारी फ्लेवर भी आसो देन आपत ट्राए करके आप फिडबैक् मो सहित निश्चित सेयार करूँ कवर करके लो फ्लेम 2 मिनिट पर्यंत कुक करदे
2 मिनिट्स पर हमें लीड ओपन करके यहाँ को भला भरे मिक्स कर देबा। एटा होची मो आई को रेसिपी, आई हम को बहुत टाइम इमिति बने की खोई चंती आउ ए रेसिपी बनेला को सी सब बेले मसलाटा को चिलर रे बाटंती, बट हमें आजकल तो ग्राइंडर यूज करके सब गड़बड़ी कर दोछु। वर्तमान हमें दरकार ग्रेवी अनुसार पानी पकाई देबा। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ଗ୍ରେଭି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣିଆ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଦେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ପାଣି ମାତ୍ର ପକାଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ତେନ୍ଦୁଳି ରସ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। କଭର୍ କରିଦେବା ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା। 10 मिनट्स परे हमें लीड ओपन करिबा। वर्तमान हमर देसी स्टाइल चिंगुड़ी तरकारी पूरा पूरी रेडी सरची। वर्तमान है को हमें भला भरे गोलाई देबा। फाइनल टच अप होची हमर धनिया पत्र। एटा होची कोनोसी माछ जातीय दिनसरे धनिया पत्र होची बेस्ट कॉम्बिनेशन। धनिया पत्र पके की है को हमें भला भरे गोलाई देबा। ओई स्पेशल चिंगुड़ी तरकारी पूरा पूरी रेडी सरची। वर्तमान है को हमें गरम गरम सर्व करिबा। आर बेस्ट कॉम्बिनेशन होची प्लेन राइस। प्लेन राइस सहित ये चुंगुड़ी आलू तरकारी बहुत टेस्ट लगे। आपन ये रेसीपी ट्राए करूँ। आपको वैल्यूएबल फीडबैक मो सहित सेयार करूँ। इफ यू लाइक मे वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।